हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी फीमेल्स की डिलीवरी कैसे करवा सकते हैं, क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपकी फीमेल पप्स देने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी अपडेट्स दूंगा। आप बहुत इजी तरीके से आप फीमेल की डिलीवरी करवा सकते हो। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फीमेल की डिलीवरी के टाइम पे, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और जो मैं चीज़ें बोलता हूँ वो आराम से सुनिएगा आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो अभी रिसेंट में मेरे पास अभी पपीज़ अवेलेबल हैं वो अभी लासा के पपीज़ अवेलेबल हैं। ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनकी वीडियोज में आपको दिखाऊंगा ये जब डिलीवरी हुए थे तो किस तरीके से डिलीवरी हुए थे। डिलीवरी की एक आपको छोटी सी क्लिप्स दिखाता हूँ। डिलीवरी की वीडियो देखने से पहले ये देख सकते हैं, ये है डैडी जो इन पपीज़ का फादर है। अगर कोई भी पपीज़ अवेलेबल है मेरे पास, अब करते हैं डिलीवरी आपको कैसे करवानी है अपनी फीमेल की। ये देख सकते हैं आप, आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए फीमेल के डिलीवरी करवाने से पहले। सैनिटाइजर, शहद, धागे की रील, एक न्यू ब्लेड, टिश्यू पेपर और साफ कपड़ा जिससे आप अपने पपी को साफ कर सकें, और टिश्यू पेपर से। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे डिटेल्स मैं इसमें दे दूंगा आपको क्या क्या करना चाहिए। और ध्यान रखें, आपकी फीमेल जब पपी देने का टाइम उसका हो जाता है तो पानी उसके पास जरूर रखें, उसी के एकदम फेस के पास रखें पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी वो उठ के नहीं पी सकती है। ये भी चीज़ हरदम ध्यान रखें, जब क्यों फीमेल इतनी स्ट्रेस में रहती है कि वो पानी के पास खुद नहीं जा सकती पीने के लिए, तो पानी भी आपको बार बार उसको पिलाना पड़ेगा, उसके पास रखें। अगर कोशिश करूंगा, उसकी क्लिप्स तो शायद से नहीं है, हुई तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए, अभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको कैसे आप इजीली घर में पपीज़ की डिलीवरी करवा सकते हो आप। और किसी भी भाई को कुछ चीज़ के रिगार्डिंग पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये देख सकते हैं, अभी फीमेल मेरी डिलीवरी करने वाली है पप्स को, आप पीछे देख सकते हो कि पप्स कैसे निकलने वाला है बाहर। तो कभी भी पपीज ऐसे बाहर निकलते हैं तो पूरा नहीं निकल पाता है, उसको आपको थोड़ा खींच के निकालना पड़ता है, क्योंकि उसकी नाल अंदर जॉइंट रहती है, जुड़ी हुई रहती है, और उसको बहुत ही प्यार से आप खींचें, ज़्यादा टाइट ना खींचें, पपी को अच्छे से आराम से पकड़ें, और जहाँ भी उसका जो नाल अंदर तक जा रहा है फीमेल की वर्जाइना तक, वहाँ से उसको पकड़ें और आराम आराम से एकदम खींचे, फिर वो टूट जाएगा। टूटने के बाद उसे अपने आराम से आप बाहर निकाल लीजिए। ये देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ऐसे ही देखिए कितने एकदम आराम से मैं खींच रहा हूँ, कोई ताकत ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ ताकि ना फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो। और कपड़े हरदम अपने पास ज़्यादा से ऐसे रखें, क्योंकि फीमेल डिस्चार्ज के टाइम पे गंदगी ज़्यादा निकलती है, तो ये सब कपड़े काफ़ी हेल्पफुल होते हैं गंदगी ताकि ना फैले। ये देख सकते हैं मैंने पपी को कैसे बाहर निकाल लिया है अभी। और नेल्स मैं देखिए रखता हूँ ताकि नेल्स होने से ये फ़ायदा होता है कि आप इजीली खाल को फाड़ सकते हो, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम होती है फाड़ने के लिए। ये देख सकते हैं पपी को कैसे पूरे उसके ऊपर से साफ करके, ये सब एक नाल से जुड़ा हुआ होता है, इसकी जो टुंडी जिसे हम कहते हैं नाभि, और देख सकते हैं मेरी वाइफ कैसे भी इसको धागा बांध रहे। तो आपको ऐसे ही धागा बांध लेना है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। धागा बांधने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपके पपी में कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ जा नहीं सकता है अंदर, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है धागा बांधना। ये आपका बांधने के 3-4 दिन बाद ऑटोमेटिक ही हट जाता है। तो ये देख सकते हैं फीमेल, और फीमेल को आपका जब भी पपी डिलीवरी हो जाता है उसको अच्छे से साफ करें, अपनी फीमेल को चटाएं। साफ कराने के बाद एक बूंद शहद चटा दीजिएगा, आप देखिएगा मैं इसको एक बूंद शहद चटा दूंगा। और जब तक फीमेल पपी डिलीवरी कर रही है, जब तक फीमेल पपीज को मदर की फीडिंग ना कराएं, जब तक ना कराएं, और आपकी फीमेल को ज़्यादा टाइम होता है पपीज देने के, 5-6-7 घंटे भी जा सकते हैं, तो ये नहीं आप मदर फीड कराएं। आप एक काम जी, हर एक घंटे में एक बूंद शहद की वापस से उसे चटा दें पपी को, ठीक है। और फीमेल आपकी एक दो बार अगर पपी आराम से शुरू के दे देगी, उसके बाद क्या काफ़ी टाइम लेती है फीमेल डिलीवरी के टाइम पे, तो हरदम उसे थोड़ा सा घर के अंदर ही वॉकिंग करवा लें, घुमा लें उसको, ताकि जो पपीज हैं अप डाउन हो, थोड़े से हलचल हो, तो वो अपनी जगह ले सके वापस से। थोड़ा घुमाने के बाद वापस से उसी जगह पर लेके आ जाए फीमेल को जहाँ वो पपी डिलीवरी कर रही है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम।
देख सकते हैं मैंने अभी पप्पी को कैसे साफ कर लिया टिश्यू पेपर से अच्छे से। साफ करने के बाद मैं इसको एक बूंद सैच हटाऊंगा और जब भी डिलीवरी होने तक फीमेल को कुछ मदर फीडिंग ना कराएं अपने पपीज को, और हो सके अगर ज्यादा टाइम हो जाता है आपकी फीमेल को 2-3 घंटे हो जाते हैं तो उसके बीच में आप आटे का हलवा बना के भी खिला सकते हो, देसी घी में 3-4 चम्मच आप उसमें डाल के उसको खिला सकते हो, जिससे पपीज बाकी के आराम से इजीली बाहर निकल सके। ये देख सकते हैं भी आप पपीज को आराम से ऐसे स्मूथ से एकदम साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद उसे आप सैट चटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। आपने देख लिया होगा कि मैंने कैसे इसको क्लीन और कितने साफ रखा है, तो आप भी ऐसे ही बेसिक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा डिलीवरी करवाने के लिए। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आराम से पपीज की डिलीवरी करवा सकते हो। मेरी वीडियो देख के काफ़ी सब्सक्राइबर भाई बहनों ने मेरे घर पे डिलीवरी करवाई है फीमेल्स की, ये देख सकते हैं आराम से। और कम से कम आपका शुरू के जो 2-4 पपीज होते हैं वो आराम से 1 घंटे में अंदर हो जाते हैं 2-3, पर उसके बाद काफ़ी टाइम लग सकता है, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी आपका पपीज को लग सकता है डिलीवरी होने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर पूछना हो तो आपको कुछ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।